मिनट रह गई हैं, इस वक्त 9:58 हो रही है एंड हमारी बोर्डिंग 9:50 तक शुरू हो जाएगी। एंड जो मेरे पीछे लाइन नज़र आ रही है, इस काउंटर से हमारी बोर्डिंग होगी टू सैन फ्रांसिस्को एंड देन आगे से हमारी फिर फ्लाइट है सैन फ्रांसिस्को टू कतर एंड देन कतर टू इस्लामाबाद। तो या आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। प्लेन में हम फाइनली बोर्ड हो गए हैं। आई गॉट द विंडो सीट विच इज़ प्रीटी गुड एंड मेरी बीच वाली जो सीट है, हमारे बीच वाली सीट है वो फॉर कोविड रीजंस एम्प्टी है एंड नाउ वी आर ऑफ टू सैन फ्रांसिस्को। सो वी जस्ट लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को एंड अभी हमने इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में जाना है एंड अगेन सिक्योरिटी से गुजर के देन वी हैव टू टेक अ ट्रेन एंड दो ट्रेनें चलती हैं, हमने सर्विस गेस्ट से पूछा है एंड देन ट्रेन लेकर कोई भी ट्रेन हम ले सकते हैं बाय द वे कोई भी ट्रेन लेकर देन द ट्रेन इज़ गोना टेक अस टू द इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज एंड हमारे पास है यहाँ पर सिर्फ 2 hours टू गेट ऑन द फ्लाइट टू दोहा। And as compared to the Seattle airport, this airport is like completely empty. वहाँ पर तो इतनी रश थी आज एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ क्रिसमस, क्योंकि कल क्रिसमस है एंड लोग वापस अपने होम टाउन्स जा रहे हैं। तो बट दिस वन इज़ लाइक खाली है बिल्कुल। तो हम ट्रेन के टर्मिनल पे पहुँच गए हैं, यहाँ से हमने ट्रेन लेकर अब इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की तरफ जाना है एंड ये हमारी ट्रेन आ गई। अगले डब्बे में चढ़ जाते हैं, खाली है बिल्कुल। बस अब छोड़ लोगों को भी नहीं, देन ये ना रवाना हो जाए, मिस करते हैं। मैं उस टाइम चला जाता हूँ, आप इसमें आते हैं। क्यों? मिस हो जाएगा, दफा करो।
सो आफ्टर 2 आवर लाइन में वेट करने के बाद वी फाइनली गॉट आवर बोर्डिंग पासेस। तो अब हमारी फ्लाइट है फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू दोहा कतर एयरपोर्ट एंड दिस फ्लाइट इज़ 15 आवर्स एंड 20 मिनट्स लॉन्ग एंड अभी हम सिक्योरिटी चेक से गुजरने लगे हैं। Mr. Hassan, 22K, straight to the right, please. Welcome. Yep. अच्छा तो ये वीडियो मेरी यहाँ पर होती है ख़त्म। इस वीडियो में एक छोटा सा मसला ये हो गया था कि जो मेरा बड़ा मेन कैमरा है जिससे इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ, इसका मेमोरी कार्ड मुझसे गलती से फॉर्मेट हो गया था एंड रास्ते में US से पाकिस्तान जाते वक्त तकरीबन मैंने अपनी सारी वीडियोस जिसमें मैंने बातें की थी स्पेशली वो मैंने इस कैमरे से शूट की थी क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी इज़ वे बेटर देन माई स्मॉलर कैमरा। तो वो क्लिप्स मुझे नहीं रिकवर हो सके क्योंकि मैंने पूरे का पूरा मेमोरी कार्ड गलती से फॉर्मेट कर दिया था हार्ड डिस्क में क्लिप्स कॉपी करने से पहले एंड आई थॉट कि मैं ऑलरेडी क्लिप्स कॉपी कर चुका हूँ बट आई वाज रॉन्ग। खैर अब हो तो कुछ नहीं सकता इस वक्त इस मौके पर। तो जितने भी क्लिप्स मेरे पास थे मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उससे आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो कंपाइल कर सकूँ एंड जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने किया। इस वीडियो के बाद अब मेरी आएंगी सारी पाकिस्तान ट्रिप की वीडियोस जो मैंने पेशावर में शूट की हैं, जो मैंने इस्लामाबाद में शूट की हैं एंड लाहौर में शूट की हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता वो अब आना शुरू हो जाएंगी इन द कमिंग वीक्स एंड आई ट्राई टू अपलोड अगर वो वीडियोस इन पार्ट्स अगर वो लंबी हुई तो, ताकि आप लोग भी बोर ना हो एंड छोटी वीडियो इज़ मच मोर ईजियर टू वॉच। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि पाकिस्तान ट्रिप की वीडियोस आर गोना बी लिट एंड वीडियो अगर यहाँ तक पूरी देख लिए तो डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़ बाय।